और आज हम एक ऐसी चीज का शरबत बनाने वाले हैं जिसके बारे में आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। आज हम बनाएंगे सत्तू का नमकीन और मीठा शरबत, जिसे यूपी और बिहार में बहुत पसंद किया जाता है और सत्तू को अलग अलग तरह से खाया भी जाता है। सत्तू को जौ और चने से बनाया जाता है। दोनों ही चीज़ को पहले भुना जाता है, उसके बाद इसे पीस कर इसका पाउडर बना लिया जाता है, जिसे ही सत्तू बोला जाता है। सत्तू को पीने या खाने से आपको एक अच्छी क्वांटिटी में फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलता है। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, जिनमें से कुछ खास ये है कि गर्मियों के दिनों में ये आपके पेट को ठंडा रखता है, लू लगने से आपको बचाता है। अगर आप एनीमिक पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं, आपको खाना डाइजेस्ट नहीं होता, या बीपी पेशेंट हैं, उनके लिए सत्तू बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है और ये वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके और भी फायदे मैं आपको वीडियो में बताती रहूँगी। तो इसका पहले हम नमकीन शरबत बनाएंगे, जिसके लिए एक ग्लास में थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसके बाद 3 बड़े चम्मच हम सत्तू डाल देंगे। ये सत्तू दोस्तों मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है और गर्मियों के दिनों में तो ये इजीली अवेलेबल हो जाता है। आप किसी भी ग्रोसरी या किराने की दुकान से इसे ले सकते हैं। 3 बड़े चम्मच सत्तू को हम पानी में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। पहले हम इसे थोड़े से पानी में ही घोलेंगे, जिससे इसकी गुठलियाँ ना बने और ये आसानी से मिक्स हो जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम और पानी ऐड करेंगे। तो पानी ऐड करके हम ग्लास को फुल कर देते हैं और सत्तू को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें 1 चुटकी हम काला नमक डालेंगे, 1 चुटकी डालेंगे सफ़ेद या नॉर्मल नमक, 1 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे। और भुने हुए जीरे पाउडर के तो बेनिफिट्स आप अच्छे से जानते होंगे। उसके बाद 1 बड़ा चम्मच हम नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस ऐड करने से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद हम सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसे गार्निश करेंगे कटे हुए पुदीना के पत्ते से, और गर्मियों में पुदीना के पत्ते से बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस मिलती है, इससे खुशबू अच्छी आती है और शरबत का टेस्ट भी बढ़ जाता है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और शरबत को सर्व करने से पहले आप इसे अच्छे से मिक्स ज़रूर कर लें, क्योंकि ये सत्तू नीचे ग्लास में बहुत जल्दी बैठने लगता है। तो इसका नमकीन शरबत तो बनकर तैयार है दोस्तों। सत्तू आपके लीवर को भी ठीक रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और आजकल दोस्तों लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, तो अगर आप सुबह मॉर्निंग में 1 ग्लास सत्तू का शरबत पीते हैं तो आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगती, जिससे आपको वेट लॉस करने में हेल्प मिलती है। इसके बाद हम इसका मीठा शरबत बनाएंगे, तो सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। थोड़े से पानी में हम सत्तू को घोल लेंगे, जिससे इसकी गुठलियाँ ना बने। शुगर पेशेंट वालों के लिए आप नमकीन वाला शरबत बना सकते हैं। इसके बाद इसमें पानी ऐड करके ग्लास को फुल कर लेंगे। इसके बाद 2 बड़े चम्मच मैं इसमें चीनी या शक्कर ऐड कर रही हूँ, आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे और इसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए 1 चुटकी काला नमक डालेंगे। 2 बड़े चम्मच नींबू का रस डालकर इसे मिक्स कर देंगे और सत्तू का मीठा शरबत भी बनकर तैयार हो गया है। सत्तू के शरबत से आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। अगर आपको जल्दी से थकान लगती है या आप खुद को वीक फील करते हैं, तो इसके शरबत को आप एक बार ज़रूर पिएं। अगर आपको खाना डाइजेस्ट नहीं होता तो इसको अपने डाइट में आप ज़रूर शामिल करें। यह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में तो आप इसे ज़रूर पिएं। यह आपके पेट को देर तक फुल रखता है और ठंडा भी रखता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर इसे ज़रूर करें। पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें।